अर्जुन, हम जानते हैं अभी जो भी हुआ वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम अपना नजरिया बदलोगे तो तुम देख पाओगे ये रिश्ता पहले से ही होना लिखा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं अर्जुन। हाँ अर्जुन, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इतने सालों की दोस्ती है हमारी, और शादियां भी वहीं निपटती हैं जहां पे पत्नी और पत्नी के बीच में दोस्ती हो। और हम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। अर्जुन, तुम हमारी बात सुनो प्लीज, इतना मत सोचो, कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि एक और खूबसूरत रिश्ता जुड़ जाएगा हम दोनों के बीच में। और हमें तो लगता है कि हम दोनों का रिश्ता पहले से ही था, भगवान खुद चाहते थे कि हम दोनों हमेशा से साथ रहें, बस हम दोनों नहीं समझ पाए थे, इसलिए किस्मत ने इस तरीके से हम दोनों को मिलवाया। अर्जुन, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलो निहारिका। दोस्त कहते हो तुम हमें? हमें हमारी नजरों में ही तुमने गिरा दिया, पूरे परिवार के सामने हमारी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। तुम जैसे दोस्त होने से अच्छा है ना हम 100 दुश्मन पाल ले। दोस्त हैं हम तुम्हारे, धोखे से तुमने नशा करवाया, मनगढ़ंत कहानियां तुमने रची पूरे परिवार के सामने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। दोस्त हैं हम है? ये होती है दोस्ती, हमारी पूरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी अपने स्वार्थ के लिए। वो तो भगवान की दया है कि रज्जो जैसी पत्नी मिली हमें, जिसने तुम्हारा सारा सच हमें दिखाया। तुम्हें मदद चाहिए थी अपने इस बच्चे के लिए, हमसे कहती हम तुम्हारी मदद करते, हमें छोड़ो, तुम रज्जो से कहती रज्जो तुम्हारी मदद करती, लेकिन तुमने क्या किया, साजिश करके इस बच्चे को हमारा नाम दे दिया। हमारा और रज्जो का रिश्ता तुमने दांव पर लगा दिया। कैसे कर सकते हो तुम कैसे कर सकते हो तुम निहारिका? अगर तुम उस नजायज रज्जो को अपनी बीवी बना सकते हो तो हमारे इस बच्चे को अपना नाम क्यों नहीं दे सकते अर्जुन? निहारिका चिल्लाओ मत, तुमको क्या लगता है तुम्हारी दो कौड़ी की रज्जो ने जो भी किया बिल्कुल सही किया? हमारे डैड को जेल में भेजा उसने, वो सही था? बोलो अर्जुन, तुम नहीं जानते कितनी बदनामी हुई थी डैड की, उनके इतने सालों की मेहनत सब पे मिट्टी डाल दी तुम्हारी रज्जो ने, फिर हमने उसकी दुखती हुई नस पकड़ ली। तुम हो उसकी कमजोरी, उसका प्यार, उसके खाद बाबू, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी तुम हो, और अगर तुम नहीं होंगे तो सांस नहीं आएगी और जिंदगी भर तड़पती रहेगी ना वो, और इस दर्द में जिएगी वो कि हमने उससे उसका प्यार छीन लिया, और फिर वो भी अपनी माई की तरह जिएगी एक छोड़ी हुई औरत बनके। फिर भी हमारी रज्जो तुमसे बेहतर इंसान रहेगी। हमारी रज्जो, तुम उसके पैरों के धूल के बराबर नहीं बन पाओगी। हाँ तो ठीक है ना, कोई शौक भी नहीं हमें उससे बेहतर बनने का, क्योंकि हमें जो करना था हमने कर दिया है, तुम हमेशा के लिए हमारे हो जाओगे। तुमने हमें हासिल किया है और अपनी जीत पर इतना घमंड हो रहा है ना, बहुत जल्द तुम पछताओगे, जीत नहीं पाओगे तुम, समझे? हम कल भी रज्जो के थे, आज भी रज्जो के हैं और हमेशा रज्जो के रहेंगे। पत्थर, कौन है ये बदतमीज, अब भी सबक सिखाते हैं।
फरहाद बाबू, तुमसे ज्यादा आलसी तो तुम्हारा दिमाग है, हर बात देर से समझता है। कब से पत्थर फेंक रही थी मैं कि अब आओगे तुम मेरी मदद करने, अब आओगे, लेकिन तुमने उसमें भी देर कर दी। और भी कुछ थोड़ा जल्दी कर लेते, कल तो हमारे बीच में सलाखें थी, आज कुछ भी नहीं है। पर दूरी अब भी है, मंजिल अभी दूर है। हमारी मंजिल तो तुम ही हो, हमें सिर्फ तुम्हें पाना है और कुछ भी नहीं। सपने जैसा लग रहा है ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे का रिश्ता बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा रिश्ता जिस शादी की सारी रस्में भी नहीं हुई थी। फिर से वही बात, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अनकहे वचन निभा रहे हैं। पता है रज्जो, लोग ना शादी करने के बाद फेरे लेते हैं, वचन लेते हैं, लेकिन उसको नहीं निभा पाते हैं। रस्में क्या करेंगे इसमें? अधूरी शादी है, इसलिए लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी स्मार्ट हो गई हो तुम? ऐसी फालतू की बात तुम मन में बिठा के बैठी हो? रस्मों के साथ शादी करनी है, कर लेंगे। सच्ची? हाँ, लेकिन सुनो, पहले ये सब चीजों से फ्री हो जाए, उसके बाद पूरे रीति रिवाज से हम शादी करेंगे। नीरताल में पहाड़ों के ऊपर। ओके। हम स्वेटर पहन के आएंगे और वो मंकी कैप होती है ना, वो पहन कर आएंगे मंडप में। हाँ ठीक है, हम ना गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगे, सामने बर्फीला पहाड़, नीचे बहता झरना और आगे हवन कुंड, और उसमें ना हम साथ फेरे लेंगे। साथ क्या, सो फेरे लेंगे। झलमिल जल्दी हाथ चलाओ, बहुत तैयारियां बाकी है। रजू, प्लीज प्लीज, ये हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं हो पाएगा हमसे। खाद बाबू प्लीज, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, ये करना ही होगा। रजो, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए तो जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, हम वो पुष्कर अंकल जैसे और निहारिका जैसे शातिर नहीं है। खाद बाबू, हम आधे रास्ते आ चुके, अब आधा बाकी है जिसे हमें साथ मिलके तय करना है। निहारिका के पास अभी भी वो झूठे संदेश है जिसका इस्तेमाल करके वो दोबारा तुमको जेल भिजवा सकती है, और अगर इस बार तुम उससे दूर हो गए ना, मैं जी नहीं पाऊंगी। अच्छा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम जी नहीं पाओगी? बोलो रज्जो, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम हमारे बिना जी नहीं पाओगी? रज्जो बोलो ना, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। रज्जो, रज्जो प्लीज हिम्मत करो, अपनी आंखें खोलो और जवाब दो। रज्जो, रज्जो प्लीज, रज्जो बोलो ना। रज्जो, आंखें खोलो ना, बोलो ना तुम्हारे दिल में क्या है, प्लीज प्लीज रज्जो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुझसे जुड़ा
प्यार करती। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। जैसे बरखा सावन है।